बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास स्टूडेंट्स, आई एम नेमिस हियर फॉर माय लेक्चर। स्टूडेंट्स, आवर टेंथ लेक्चर इज अबाउट एक्सरसाइज नंबर 3D। सो क्लास ओपन योर बुक्स पेज नंबर 59 एंड एक्सरसाइज नंबर 3D। द क्वेश्चन नंबर वन ऑफ दिस एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स। बट आप लोगों ने ब्लैंक्स को फिल करना है और ये प्रॉपर हमारे पास जो है वो कम्प्लीटली क्वेश्चन है। तो क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के बाद आप लोग जब उसका सलूशन करेंगे तो आप लोगों के लिए एक तो प्रैक्टिस हो जाती है, दूसरा आप लोगों के पास उनके आंसर्स भी एक्यूरेट निकल आते हैं। तो ए पार्ट को देखिएगा, 1/5 प्लस 3/5 माइनस 4/5। आप देखेंगे है तो प्लस और माइनस ही, और इन सब के बीच में इसका जो डिनोमिनेटर है वो 5 है, सेम है। तो मैंने क्या किया, इन कैल्शियम लिया, मेरे पास 5 आ गए, 1 + 3 - 4। ऊपर वाला जो न्यूमिनेटर थे सारे वैसे के वैसे लिखे गए। 3 में 1 ऐड कर लिए, मेरे पास आगे 4, 4 में से 4 माइनस कर दिए 0, 0/5। और जब किसी की कोई भी नंबर 0 के साथ डिवाइड होगा तो मेरे पास इसका आंसर 0 ही आ जाएगा। इट मीन्स डैट द फर्स्ट ब्लैंक इज 0। बी पार्ट इज 3/4 मल्टीप्लाई 12/15 डिवाइडेड 24/15। तो बेटा देखें, यहाँ पे डिवीजन है, तो पहले मैं इस डिवीजन को कन्वर्ट करूँगा मल्टीप्लीकेशन में, लाइक टू दिस। ये देखा जाए, डिवीजन को जब मैंने मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट किया तो मेरे पास 24/15 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, बन जाएगा 15/24। तो 15/24 में जब आप देखेंगे, 12 1s are 12, 12 2s are 24, 15 and 15 कैंसिल, मेरे पास आ रहे हैं 3/4 एंड 1/2। तो 3 1s are 3 एंड 4 2s are 8, चूँकि मजीद कैंसिल नहीं होते थे, सो 3/8 इज़ आंसर। इसी तरह से बेटा आप लोगों का सी पार्ट है, डी पार्ट का सलूशन भी देखें आगे उसके मौजूद है, और ई पार्ट का भी देखें। मैंने प्रॉपर सलूशन करने के बाद उसका आंसर आप लोगों को यहाँ पर बताया हुआ है, 1। क्लियर क्लास? उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट द फॉलोइंग्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, कि कौन सी स्टेटमेंट सही कौन सी गलत है। तो बेटा बोर्ड मैथ्स के अकॉर्डिंग हमारे पास जो एक्सप्रेशन होती है विद मोर देन 2 ऑपरेशन, उससे हम लोग एक ही रूल के साथ एक से ज़्यादा ऑपरेशन को सॉल्व कर सकते हैं, यस इट इज़ ट्रू। उसके बाद इनका भी आप लोग सलूशन करेंगे खुद से, उसके बाद मैंने तो सलूशन करने के बाद उनके आंसर्स लगाए हैं, तो आप लोगों ने भी सलूशंस करने हैं। सलूशन करने के बाद आप लोगों ने उनके आंसर यहाँ पर राइट कर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज लाइक द करेक्ट आंसर, आप लोगों के पास MCQs और MCQs भी आप लोगों ने सलूशन करने के बाद उनके आंसर्स लगाने हैं। मैंने भी सलूशन करके लगाए हैं, आप लोगों ने भी सलूशंस करने हैं, ठीक है। सलूशन करने के बाद मेरे पास जो फर्स्ट का आंसर आया था वो 2/3 था, इसी तरह से बी का भी 9/10 था, सेकंड ऑप्शन सही आंसर था उसका, और सी का मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन उसका राइट आंसर था। इसी तरह से जो मेरे पास नेक्स्ट पेज पे बाकी के हैं वो भी इसी तरह से सलूशन के बाद आप लोगों ने सॉल्व करेंगे, डी पार्ट एंड ई पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बेटा आप लोगों को मैं इसके 2 पार्ट्स के सलूशन करवाऊँगा, बाकी आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। द फर्स्ट पार्ट इज़ 2/5 प्लस इन 3/5 - 5/9 डिवाइडेड 25/9 इन क्लोज इन अ ब्रैकेट, ब्रैकेट को मैंने इनटू बोला था। तो बेटा यहाँ देखिए नोटबुक पे मैंने आप लोगों का क्वेश्चन वो जो 4A पार्ट है मैंने इसे सॉल्व किया है, यहाँ पर 4A एक्सरसाइज का उसका 4 क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोगों का जो A पार्ट है उसे मैंने यहाँ पर सॉल्व किया। एक्सरसाइज नंबर 3D, 2/5 प्लस 3/5 - 5/9 डिवाइडेड 25/9। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट के अंदर मेरे पास जो डिवीजन पोर्शन है पहले मैं उसे सॉल्व करूँगा। व्हेन डिवीजन कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लिकेशन, तो मेरे पास जो 25/9 है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और बन जाएगा 9/25। 5 1s are 5, 5 5s are 25, दिस 9 एंड दिस 9 कैंसल टू ईच अदर, द आंसर इज 1 1s are 1 एंड 5 - 1 = 5। अब इन दो फ्रैक्शंस के बीच में माइनस है, सब्ट्रैक्शन है, इट मीन्स डैट के हम लोग इसका करने वाले हैं LCM। मेरे पास जो 7 वाली वैल्यू वैसे लिखी जाएगी 2/5 प्लस, अब इनका जब मैं LCM लूँगा तो मेरे पास सेम डिनोमिनेटर है, मैंने उसे वैसे लिख लिया और 3 - 1 कर दिया, तो जब 3 में से 1 चले जाएंगे तो मेरे पास आ जाएंगे 2/5। अब देखें, अब मेरे पास फिर दो फ्रैक्शंस आ गई हैं लेकिन उनके बीच में प्लस का सिंबल है, डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से मैंने वैसे से लिख दिया, ऊपर वाली दोनों को ऐड कर लिया, 2 + 2 = 4, सो 4/5 इज़ आर आंसर। इसी तरह से बेटा मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ इसका सी पार्ट, क्योंकि बी पार्ट जो है वो सेम बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप लोगों ने ए पार्ट पे सॉल्व किया। आप सी पार्ट को देखिएगा, सी पार्ट में मेरे पास वैल्यू है 9/11 प्लस 3/13 मल्टीप्लाई 26/33 माइनस 21/121 डिवाइडेड 71/1
111। तो बेटा आप लोगों का जो यहाँ पर सी पार्ट था, सी पार्ट का यहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा, अब मैं इसे सॉल्व करूँगा। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट में हमारे पास है डिवीजन, तो डिवीजन को कन्वर्ट कर देंगे पहले हम लोग मल्टीप्लीकेशन में। तो जैसे कन्वर्ट होगी तो हमारे पास ये जो फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 111/71। अब यहाँ पर ऑलरेडी मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन इन दो फ्रैक्शन के बीच में है, हम लोग इसे नहीं लेके आ सकते, ये एडिशन में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन दो को पहले सॉल्व करेंगे, 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, 3 1 ज़ा 3, 3 11 ज़ा 33, बहुत सारे कैंसल, 2 1 ज़ा 2 एंड 11 1 ज़ा 11। आप देखें ज़रा यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास और ये आपस में मल्टीप्लाई कैंसिल नहीं होते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 21 को मल्टीप्लाई कर देंगे 111 के साथ, एंड 121 मल्टीप्लाई विथ 71, 2 331 एंड 8591 इन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ फ्रैक्शंस। नाउ ओपन द ब्रैकेट, हम लोग ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। तो क्लास यहाँ देखिएगा, मेरे पास जब सेम डिनोमिनेटर आ गया इन दोनों का, तो पहले मैं इसे सॉल्व करूँगा, मतलब मैं इन दो फ्रैक्शंस को पहले सॉल्व कर लूँगा। डिनोमिनेटर सेम था उसे मैंने वैसे लिख दिया, और 9 और 2 को भी साथ में वैसे लिख दिया, और ये फ्रैक्शन जो मैंने अभी सॉल्व नहीं की है उसे साथ में मैंने वैसे नीचे लिख दिया। 9 and 2 11, 11 by 11 -2 2 331 एंड 8589, 11 and 11 बोथ आर कैंसल, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो गए, क्या हमारे पास आ रहा है 1 1 -2 331 by 8591, ठीक है। तो मैं इसे क्या करने वाला हूँ, अब इसके नीचे फ्रैक्शन में मेरे पास बचा हुआ है 1, ठीक है। तो जब मेरे पास यहाँ पर बच गया, मेरे पास 1 आ गया, तो मैंने इन दोनों का क्या कर लिया, इनका एलसीएम लिया, मेरे पास एलसीएम आ गया 8589। तो जब 1 का टेबल पढ़ूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू आती है, इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसे न्यूमिनेटर के साथ, मेरे पास आ जाएंगे 8589, और उसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा सेकंड वैल्यू का डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर 2331, 8591 में से जब 2331 सब्ट्रैक्ट होंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 6260/8591, ठीक है बेटा, ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। और आप लोगों के पास बुक के मैं पीछे बता दूं कि हमारा ये जो आंसर है ये बुक वाले के साथ मैच नहीं करता, इट मींस डैट के हमारे पास यहाँ पर बुक में कोई क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है जो बुक की तरफ से है, ठीक है। तो आप लोगों के पास जब आप लोग सोल्यूशन करोगे तो आपका यही आंसर आएगा, आप लोगों का बुक वाले के साथ मैच नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को अच्छे तरह से कर लेना है, सबके सोल्यूशंस सबके मेथड्स जो हैं वो एक जैसे हैं। ओके बेटा, डू प्रैक्टिस एट होम, गॉड ब्लेस यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।